सब्जियों के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ा है। ये वे लोग हैं जो रोज कमाते और खाते हैं, उन्हें गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि अब वे बिना मटर और प्याज के ही अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जो मटर पहले बेहद सस्ता था, आज वे 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं जो प्याज पहले 30 रुपए किलो था, वे आज 70 रुपए तक बिक रहा है। जो बाजार में प्याज और मटर खरीद रहा है, उसे लोग रईस समझ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इनके दाम सामान्य थे, लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हुए, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से वे पहले ही बेहद परेशान थे, आय के साधन खत्म हो चुके हैं। ऊपर से सब्जियों के दामों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अब जहां वे पहले वे जो सब्जियां 50 रुपए में खरीद लेते थे, वे आज उनके लिए 150 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वे दामों पर नियंत्रण करें, ताकि वे आराम से अपना गुजारा कर सकें। उन्होंने कहा कि जहां एक और बिजली, पानी और कूड़े के बिलों में कोई रियायत सरकार द्वारा नहीं दी गई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने उनका बजट सारा बिगाड़ के रख दिया है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो सब्जी हम 50 रुपए में ले आते थे, टमाटर, प्याज, धनिया वगैरह सब लेके, आजकल 150 में भी पूरा नहीं पड़ रहा है। सब्जियों के दाम बहुत ही हाई हो गए हुए हैं। आलू नहीं खरीद सकते, प्याज नहीं खरीद सकते, प्याज तो 80 से 100 तक चला गया है, और महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। इसलिए हमारा बजट भी कुछ बिगड़ रहा है इसकी वजह से। जो खर्चे हम 50 में चला लेते थे, वही आजकल 100-150 पे चले जाते हैं। जहाँ दूध की 2 थैलियाँ लानी, वहाँ 1 लानी पड़ती है। तो सर, ये होगी सब महंगाई का बहुत होगी, सब्जी बहुत महंगी होगी, तो गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा भी करना मुश्किल हो रहा है। हर चीज़ में कटौती करनी पड़ रही है और मुश्किल से गुजारा होगा। क्या क्या, हम तो यही कहेंगे कि सब्जियों के दाम कम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे किसानों को तो सही हो गया, उनके लिए तो भला हो गया, लेकिन हमारे जैसों के लिए बहुत मतलब गलत काम हो गया। रेट कम होने चाहिए। सोलन की रहने वाली हूँ, गीता देवी मेरा नाम है। मेरा एक छोटा सा ढाबा है। क्या करें, हम अभी लॉकडाउन में पहले परेशान थे, और हमारा बहुत लेना देना कर्ज पड़ गया है, और एक तो डबल डबल फीस मार रही है, और डबल डबल हर चीज़, बिजली का बिल देखो, कूड़े का बिल देखो, या दुकान का कर्ज देखो, हम नहीं दे पा रहे हैं। और इधर से सब्जी बहुत महंगी है। जो 20 रुपये किलो प्याज था, वो आज क्या नाम 80 रुपये किलो जा रहा है। और ये क्या नाम, हम कोई सब्जियाँ नहीं ला पा रहे, ना टमाटर ला पा रहे हैं, ना तो कोई हम सब्जी ले पा रहे हैं, और ना हमारा कोई ढाबे में कोई काम है। इतना है जो कि ग्राहक आए, और कैसे रेट से हम उनको खाना खिलाएं, कैसे दें हम उनको, और हमारा बहुत मुश्किल गुजारा है। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि थोड़ी कम रेट कर दें, और सब्जी और प्याजों का, और हम गरीबों का ध्यान दें। मुश्किल है गुजारा करना, राशन पानी लेना। डिब्बू से हम लोगों को तो कुछ मिलता भी नहीं है। 4-5-6 किलो चावल मिलते हैं, और 8-10 किलो आटा मिलता है, और ना हम घर का चला पा रहे हैं, ना हम ढाबा चला पा रहे हैं। इतना इतना कर्ज लग गया, हम कैसे करके निपटाएं।